बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान हमेशा ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। कभी सलमान खान विवादों से घिरे हुए नजर आते हैं तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ के चलते भी। आज के समय में देखा जाए तो सलमान खान के गुस्से से हर कोई वाकिफ है। इंडस्ट्री में सलमान खान के गुस्से से हर कोई डरता है। सलमान से जो कोई पंगा लेता है वो हर किसी पर भारी पड़ता हुआ भी नजर आता है। लेकिन दोस्तों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे किस्से के बारे में जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। एक वक्त ऐसा भी आया था जब सलमान खान ने बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील शेट्टी से माफी मांगी थी। दरअसल आपको बता दें कि सालों पहले सलमान खान ने अपनी गर्लफ्रेंड सोमी अली के खातिर सुनील शेट्टी से माफी मांगी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सुनील शेट्टी ने जब बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया था तब उनकी फिल्म आई थी साल 1992 में बलवान, और इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था। वहीं इसके बाद एक फिल्म मेकर ने सोमी अली को सुनील शेट्टी के साथ कास्ट करने के लिए सोचा था। सोमी अली उस वक्त सुनील शेट्टी के साथ काम करना नहीं चाहती थी। एक न्यू कमर एक्टर के साथ उन्होंने काम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि उस वक्त सोमी अली ने बॉलीवुड में डेब्यू तक नहीं किया था, वो सिर्फ सलमान खान की गर्लफ्रेंड के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन दो साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि सुनील शेट्टी बॉलीवुड के सुपरस्टार बनते हुए नजर आए। वक्त हमारा है दिलवाले जैसी सुपरहिट फिल्मों में सुनील शेट्टी ने काम किया और बॉलीवुड के सुपरस्टार बनते हुए नजर आए थे, और उस वक्त सोमी अली सिर्फ बॉलीवुड में लॉन्च होने का इंतजार कर रही थी, एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में जुटी हुई थी। फिर क्या था, साल 1994 में डायरेक्टर संजय खन्ना ने सोमी अली को ऑफर दिया सुनील शेट्टी के साथ फिल्म अंत में काम करने का। डायरेक्टर संजय खन्ना सोमी अली को कास्ट करना चाहते थे लेकिन बाद में सुनील शेट्टी ने मना कर दिया। दो साल पहले सोमी अली ने सुनील के साथ काम करने से मना किया था, तो वहीं बाद में सुनील शेट्टी ने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया, और अपनी उस गलती की वजह से सोमी अली को एक फिल्म से हाथ धो बैठना पड़ा था। लेकिन बाद में सलमान खान को बीच में आना पड़ा। सलमान खान ने सोमी अली की खातिर सुनील शेट्टी से माफी मांगी और सुनील शेट्टी को मनाया भी। तब जाकर सुनील शेट्टी ने सब कुछ भुलाकर सोमी अली के साथ फिल्म में काम किया, और इस तरीके से सोमी अली को फिल्मों में काम करने का मौका मिला। लेकिन बाद में सोमी अली और सुनील शेट्टी की फिल्म अंत सुपरहिट साबित हुई, और इस फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट सुनील शेट्टी को मिला था। वहीं साथ ही साथ सोमी अली को भी फिल्मों में काफ़ी पसंद किया गया, और इस तरीके से सलमान खान को अपनी गर्लफ्रेंड सोमी अली की खातिर सुनील शेट्टी से माफ़ी मांगनी पड़ी थी। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।